Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Friends, अभी हम कम्बन ब्रिज से गुजर रहे हैं और ये इंडिया का सबसे एडवेंचरस रेलवे रूट है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी ट्रेन सी के ऊपर से निकल रही है एंड इट्स रियली लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। और व्यू भी बहुत सुंदर है, चारों तरफ सी है। ये जो सामने ब्रिज दिख रहा है, ये बाय रोड आने के लिए वे है। और कल हम इस ब्रिज पर भी जाएंगे और नेक्स्ट ब्लॉग में यहाँ से भी मैं आपको कम्बन ब्रिज का व्यू दिखाऊंगी। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में रामेश्वरम टेंपल के दर्शन कराऊंगी, जो चारों धाम में से एक है। We had reached Rameshwaram. Train was before time, and now we are going to our hotel. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. हमारा होटल इसके पास में महेश्वरी भक्त निवास बिल्डिंग वन। और अभी हम लोग होटल में जा रहे चेकिंग करने एंड आफ्टर दैट हम रेस्ट करके जाएंगे मंदिर के दर्शन करने। सो स्टे ट्यून्ड। तो फ्रेंड्स, वी आर रेडी और अभी हम लोग जा रहे हैं लंच करने। डूइंग लंच एट महेश्वरी ढाबा, सो लेट्स गो। व्यूअर्स, अभी हम जा रहे अग्नि तीर्थम, जहाँ पे स्नान करके ही मंदिर में जाया जाता है। So friends, this is Agni Teetham. और मंदिर जाने से पहले यहाँ पे स्नान करते हैं, यहाँ पे छीटे लेते हैं और उसके बाद ही दर्शन करने जाते हैं। तो हमने छीटे ले लिए हैं, तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने। मंदिर में कैमरा, फोन, बैग अलाउड नहीं है। तो फिर मैं आपको बाहर से दर्शन कराऊंगी मंदिर के, तो आप यहीं से हाथ मत दो ना। तो फ्रेंड्स, ये रामेश्वरम टेम्पल और ये वही शिवलिंग है जिसकी राम जी ने स्थापित की थी शिव जी की पूजा करने के लिए, जब उन्हें कोई मार्ग नहीं मिल रहा था लंका जाने के लिए। तो फ्रेंड्स, चले दर्शन करते हैं। जय श्री राम। शिव 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 शिवम 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 हस्त डमरु बाजे नाद नमद सृष्टि साजे दिग दिग तक दिग दिग तक दिग 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 दा दिग 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 दा दिग दिग तक दिग 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 दा। शिव शंभु कर त्रिशूल भंग करत पाप मूल विराजित है चंद्रभान अद्भुत लोचन विशाल। पूरे मंदिर में आपको ऐसे सुंदर पिलर्स देखने को मिलेंगे और ये मंदिर 12 टू 19 सेंचुरी के बीच में बनाया गया था। फ्रेंड्स, टेंपल के अंदर 22 वेल्स है। कहा जाता है कि राम जी जब रावण को मारकर वापस आए थे, तब ऋषियों ने उन्हें बताया कि रावण एक ब्राह्मण और शिव भक्त था।
इसलिए राम जी पर ब्राह्मण हत्या का दोष लग गया था। उसके निवारण के लिए उन्हें सभी पवित्र तीर्थ करने होंगे। तब राम जी ने ये 22 वेल बनाए और यहाँ पर सभी तीर्थ का जल मंगवाया और उसे स्नान करके शिव जी की पूजा की और ब्रह्म हत्या का दोष से मुक्त हुए। इन 22 वेल को तीर्थम कहा जाता है। मैं कुछ तीर्थम के नाम आपको बताती हूँ। महालक्ष्मी तीर्थम, सावित्री, गायत्री, गंगा, सरस्वती, यमुना एंड काव्या तीर्थम। इन सभी वेल में हमने भी स्नान किया और उसके बाद ही शिव जी के दर्शन किए और हमें बहुत आनंद आया। यही शिवलिंग मंदिर के अंदर स्थापित है। सो फ्रेंड्स, हम दर्शन करके आ गए हैं एंड नाउ वी आर हैविंग सम रिफ्रेशमेंट। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि रामेश्वरम इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड पीसफुल प्लेस। आपको जब भी मौका मिले रामेश्वरम दर्शन करने ज़रूर आइएगा। फ्रेंड्स, आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड नेक्स्ट व्लॉग में वी विल विजिट राम सेतु, धनुषकोटी एंड विभीषण टेम्पल। सो स्टे ट्यून। बाय गाइज़।